हम बात करने वाले हैं बिटगेट बैश टोकन के बारे में। गाइस बिटगेट बैश टोकन रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स भी हाल फिलहाल में निकल के आ रही है जो कि हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बस एंड तक ज़रूर देखना है जिससे आप जो है पूरा डिटेल्स जान पाओ कि बिटगेट बैश टोकन में अभी क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है अपने बिटगेट बैश टोकन रिलेटेड। गाइस बहुत सारी भयंकर न्यूज़ है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया न्यूज़ है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही मैं कुछ आपको चीज़ें भी बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्डर्स को तो मस्ट ही देखना चाहिए। तो गाइस चले बढ़ते आगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 5.55% करीब में पिछले 24 आवर्स में आपको पंप करते हुए दिख रहा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है इसका मार्केट कैप भी ठीक ठाक ही चल रहा है, यानी कि अभी अच्छे खासा पंपिंग दे रहा है। थोड़ा थोड़ा पंप तो डेली कर ही जाता है। तो चलिए गाइस बात करते हैं अब सारी न्यूज़ के बारे में। उससे पहले अपना छोटे से प्यार यानी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे मेरा बेहद मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए डेली ऐसी अपडेट्स लेकर आते रहूँगी। तो गाइस अपना छोटे से प्यार जरूर देना। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अब न्यूज़ की तरफ। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के किस पे, तो बिटगेट बैश टोकन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे हम लोग यहाँ पे भी पहुँच चुके हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो गाइस चलिए बांधते हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट वी हैव मेड एन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ $500 USD इन सिम्बायोसिस FI। यानी कि यहाँ पे गाइस एक ये है जिसका नाम है सिम्बायोसिस डॉट, फुल नेम है यहाँ पे अपना सिम्बायोसिस अंडरस्कोर FI, जो जिसमें जो है इन्होंने कितना स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया, तो $500 के करीब में जो है इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है डॉलर्स में। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट जिनकी चल रही थी उसमें यहाँ पे भी आप देख सकते हो, टॉप BNB प्रोजेक्ट्स विद हाइएस्ट सोशल इंगेजमेंट में आपको सेकेंड नंबर पर 1.02 बिलियन के साथ आपको देखने को मिल जाता है अपना बिटगेट बैश टोकन विद टॉप BNB चेन विद हाईएस्ट सोशल इंगेजमेंट के साथ। यहाँ पे आप देखते हो टॉप क्रिप्टो करेंसीज इन 24 आवर्स में ऑन BNB चेन, तो यहाँ पे आपको अपने सेकंड नंबर पे मैंने बस के आपको बताया बिटगेट बैश देखने को मिल रहा था। उसके बाद फिर और ज़्यादा बढ़ के और आगे चला गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसकी इंटीग्रेशन हुई है, इनकी पार्टनरशिप हुई है किसके साथ, तो कॉइनवोट CC के साथ 20 आवर्स पहले। तो गाइस इसमें पार्टनरशिप वगैरह सब चलती रहती है, इसके कारण ही अपना बिटगेट और ज़्यादा और अच्छा कॉइन बनते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ बिटगेट बैश टीचेस टॉप 10 इन मार्केट कैप, इट्स प्राइस कुड बी $0.4026 इन इट्स मेक 72x। यानी कि अगर जो है यहाँ पे अपना बिटगेट बैश टोकन टॉप 10 में आ सकता है, आ जाता है, तो यहाँ पे कहने को मिल रहा है कि इफ़ बैश रीचेस टॉप 10 इन मार्केट कैप पे अगर 10 पे आ जाता है तो ये जो है आपको 72x तक का प्रॉफिट दे सकता है, जो कि अभी बात की जा रही है। लेकिन अभी जो है ये 215 पे चलते हुए दिख रहे हैं कि 215 रैंक से डायरेक्ट अगर ये 10 रैंक पे जिस दिन आ जाएगा उस दिन आपको 72x का प्रॉफिट दे सकता है। तो गाइज थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखनी चाहिए इस कॉइन में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, स्पेशल शाउट आउट टू योर प्राइस होल्डर्स, यानी कि गाइस आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, ये गेट फंड अगेन प्राइस। तो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो, प्राइस रिसीव्स 81.49 रेटिंग इन सर्टिक ऑडिट, यानी कि इसको जो है यहाँ पे कितनी की रेटिंग मिली है सर्टिक ऑडिट पे, तो 81.49 की रेटिंग इसको देखने को मिली है अपने कहाँ पे, तो सर्टिक ऑडिट पे, इंस्पायरिंग इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो गाइस ये एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखते हो, बिटगेट बैश मूव इनटू अ क्रूशियल रीजन दैट कुड डिटरमाइन द नेक्स्ट फेज ऑफ प्राइस डेवलपमेंट। तो गाइस ये कुछ पुरानी अपडेट्स होगी, जितनी अभी फिलहाल की नई नई अपडेट्स थी वो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की, जिसके बाद आपको देखने को लग रहा हो कि बिटगेट बैश बहुत जल्द अपनी कुछ ऊंचाइयों को छू सकता है टॉप 10। बस इंतज़ार है कॉइन मार्केट कैप पे टॉप 10 रैंक में आ जाने का, उसके बाद तो आपको 72x का प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज आई होप सो आप समझ पाए होंगे, और साथ ही में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखो जिसके कारण जो है जब भी ये जाए, जब भी आपको ये प्रॉफिट दे, तो आप इससे अर्न कर सको, क्योंकि गाइज जब उस समय जब पढ़ते रहेगा तब प्रॉफिट अर्न करने में उतना मज़ा नहीं आता। तो गाइज अभी आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो, बाकी आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, इसलिए आप अपनी एनालिसिस पे बाय सेलिंग करें बिकॉज आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। तो गाइज आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।